और ये सारे पार्ट्स, ये देखो, ये दोनों मैंने फिनिश यहाँ से कर लिए हैं, बट यहाँ पे ग्राइंडर नहीं चल रहा है, अंदर की साइड ग्राइंडर पहुँच नहीं रहा, स्पेस नहीं है, तो मैंने इनको देखो कितना शार्प लाइन कर दिया, ठीक है। और जो थोड़ा बच रहा होगा पुट्टी पुट्टी से कर लेंगे, ये सारा चिपका हुआ है बारिश की वजह से, कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाली देखो, ये लाइन ये थी नहीं, यहाँ पे देखो ऐसा चिकना था, तो मैं यहाँ पे ये लाइन बना रहा हूँ, ये वाली देखो, ये लाइन मतलब यहाँ पे ऐसे आके और ऐसे गिर जाएगा एकदम, तो ओरिजिनल में भी ऐसा ही है, क्योंकि हमने जब ये मोल्ड किया था तो टूट गया था तो आ नहीं पाया था। और ये रही अपनी बाइक, तो कैसी लग रही है, भीगी पड़ी है, ये वही है दूसरी वाली बाइक का अंदर की साइड से जो अंडर वाली लगता है, ठीक है। ये पूरा है अपना, और ये पीछे टेल, ये बारिश पड़ रही थी तो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया था। ये है अपना टेल पीछे का, जो कि अमेजिंग लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और पीछे से ऊपर कर दूंगा, जब मैं इसको रिपेयर करूंगा ना, जब घिसाई विसाई करूंगा तो मैं उसको तब कर लूंगा, हल्का सा ना उस चोंच को ना हल्का सा उठाना है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इस लाइन के साथ जाना चाहिए, ये लाइन जो है ना इस लाइन के साथ ही जाना चाहिए इसको भी, ठीक है। तो चलो फिर मैं इस पर और ग्राइंडर मार लेता हूँ, अब इस वाले पे मुझे ग्राइंडर मारना है, ये देखो ये फिनिशिंग करनी है मुझे, यहाँ ग्राइंडर मारना है, और देखो कितनी सारी है वहाँ पे भी, मैंने पीछे की साइड से ये छेद किए थे याद है आपको, ये मैंने भर दिए हैं, ठीक है। मटेरियल आ रहा है, मैंने अभी भी ऑर्डर किया है, मुझे मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब का भी काम करना है, फर्मा बनाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो चलो मैं इतने और ग्राइंडर मार लेता हूँ, और इस पूरी किट को खोलना है, धीरे धीरे सब पे ग्राइंडर मारना है, तो खोल लेता हूँ सारी किट को, फिर ग्राइंडर मारता हूँ। तो देखो ये पड़ा है सारा माल, मैंने ग्राइंडर इससे भी मार दिया है, अब इससे मार रहा हूँ, एक इंच ज्यादा है, तो हमें यहाँ से मुझे कट करना है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसको मैंने बाद में डायरेक्ट इसी मटेरियल से बनाया है, बाहर निकाला था ना, तो इसीलिए। और इसको अगर मैं ये दूर से देख लो, देखो वो चौड़ा है इस साइड का, उस साइड का पतला है, तो ये भी मुझे कट करना है, बैलेंस करना है दोनों, देखो मैं इसको ग्राइंडर मारता हूँ, और फिर तुमको दिखेगा कि कितना ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखो ये इतना चिकना हो गया है, अभी कितना रफ है ये देखो, ठीक है। अब ये जो है ना ये चिकना है और ये वाला गड्ढा है, तो मुझे ही भरना होगा, और इसके ऊपर ही ये वाला मटेरियल मारना होगा। अब देखो ये लाइन कितनी शार्प है ना, मारते ही थोड़े ध्यान से मारना पड़ेगा, मैंने पंखा चलाया होगा, क्योंकि ये डस्ट जो उड़ेगा वो ज्यादा इस साइड चला जाए, मेरे ऊपर ना आए, बट थोड़ा बहुत फिर भी आता है, इसलिए अपने आप को मैंने कवर किया हुआ, ये मैंने ये सब लगाया हुआ है अपनों को, मैं मास्क भी लगा सकता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मास्क नहीं लगता, ठीक है, आवाज़ नहीं आती है। तो ये कर लिया है, अब मैं देखो इस पे मार लूंगा, ये रहा चिकना, ये लाइन एकदम शार्प कर लूंगा पूरी, और ये जो दिख रहा है इस पे ये सब क्लीन कर दूंगा, ये सारा निकाल दूंगा, ठीक है। और उसमें वो अंडर वैली वाला पार्ट भी निकाल के मुझे घिसाई कर लेना है, फिर तो घिसाई सारी हो जाएगी, फिर हाथ वाली घिसाई रहेगी और फिलिंग रहेगी, ठीक है, जो फिल करना है हाथ से। और ये वाला उधर का पैनल मैं निकाल के लाता हूँ और देखता हूँ उसको कितना करना है, तो जो मुझे करना है मैंने बता दिया है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, घिसाई करके फिल करके तब मैं अब रिकॉर्ड करूँगा, मतलब बहुत लंबे समय के बाद रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कितना लगता है बता दूंगा आप लोगों को। तो मिलता हूँ, पता नहीं कितने टाइम बाद मिलूँ, एक दिन दो दिन, लेकिन ये सब करके मिलता हूँ, ठीक है। 2000 years later तो बहुत लंबा समय गुजर चुका है, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को करते हुए, और देखो मैंने कितना कर लिया, मैं बताता हूँ डिटेल में कि मैंने सबको बहुत अच्छे से घिस लिया है इस मशीन की हेल्प से घिस लिया है, अपने हाथों से घिसा है बहुत ज़्यादा, ये घिसने वाला इफेक्ट है, सब घिस, देखो कितनी फिनिशिंग सी आ गई है घिसने के बाद, ठीक है, ये घिसाई कर दी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जो हमने इस पर मारा था ना सप्रेसर, इसको सब पे मारना है, सब पे,
ये सारे पार्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। इस सबसे ज्यादा मेहनत मेरी इस पार्ट में और इस पार्ट में लग रही है बहुत, क्योंकि नीचे देखो कितनी डेप्थ है, जहाँ उंगली भी नहीं घुस पाती, मशीन भी नहीं घुस पाती, ऐसे ऐसे डेप्थ है उसके अंदर, तो रेग माल के साथ कैसे उंगली घुसाएंगे। इसमें भी सेम ऐसा ही है, ये डेप्थ जो है जितनी भी है ये ऐसे ऐसे ऐसे। देखो देखो मैंने इसको भी एनहेंस कर दिया है, ये वाला जो डिज़ाइन था, ठीक है, मैंने इसमें भी एनहेंसमेंट की है काफ़ी सारी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये बढ़ाया है। हम मैं सोच रहा था कि अंडर वैली को ऊपर से भी तो कनेक्ट करना है, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ इसमें से कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, तो नहीं, दैट वॉज नॉट वर्किंग। तो मैंने क्या किया, अंडर वैली ये है, ठीक है, और अब अंडर वैली ना इसके डाउन साइड जाएगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे डाउन साइड जाएगी इसके, और यहाँ से स्क्रू लग जाएंगे, कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। देखो ये देखो अंडर वैली कनेक्ट हो गया पूरा, सेम सेम ऐसा ही मैंने दूसरे पैनल में भी बनाया है, जो इसका दूसरी साइड का पैनल है जो वो रखा हुआ है ये रहा, ठीक है। ये सब अपने टेल साइड पैनल्स हैं, टेल के साइड वाले पूरी बाइक। अब मुझे सप्रेसर घोल लेता हूँ और इन सब पे सप्रेसर मार लेता हूँ। सप्रेसर मार के हमें छोटी छोटी जितनी भी डिटेल है वो सब दिख जाएगी, वरना सब हमारा घिसा हुआ है बहुत अच्छे से, मैंने घिसाई कर ली है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कट करके निकाल दिया, जहाँ भरना था वहाँ भर लिया। और एक बार मैं पूरे में सप्रेसर मार के उस पर इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी गलती भी हो ना वो भी ठीक करूँगा अगर दिखी तो। चलो मैं पहले घोल लेता हूँ। तो इसके अंदर हमने मिक्स कर लिया है फिर से वही सप्रेसर, दिखा देता हूँ इसका कलर जो होता है वही हमेशा। ये देखो देखो मैंने पूरे घिस दी थी, लेकिन घिसने के बाद भी देखो ये डैमेज दिखते नहीं दिखते, इनको भरने के लिए इसको मारा जाता है, ठीक है। ये भर अब ये मैं मारूंगा पूरी पे, तब जाके मुझे ये दिखेंगे। ये देखो ये दिख रहा है, वैसे दिख नहीं रहा था ऐसे ये, लेकिन मारते ही दिख, देखो ये दिखा, मारते ही मेरा दिखने लगता है। यहाँ देखो यहाँ खाली है, अभी मैं मारूंगा तो दिखने लगेगा। सी ऐसे करके दिखता है, ये रहे सारे अपने जितने भी हैं सारे के सारे टोटल, और उधर पड़ा है, और उधर है, और एक उधर है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे मारता हूँ, पहले इस वाले पे मार देता हूँ पूरा, फिर से पूरा मार के ये कवर करके पूरा कंप्लीट, फिर मैं ये वाला आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरा पकड़ेंगे हम, फिर दूसरे पे मारेंगे, ऐसे मैं दिखाता हूँ, फिर हम फाइनल हो जाएगा तो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके हमें पता लग जाएगा कहाँ पर गैप आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, अगर कहीं गैप आया तो हम उसको फिल करेंगे, फिर अपने मटेरियल से भर देंगे इसको, ठीक है। देखो इस पे तो हो गया है, तो मैंने नीचे रख दिया है अब, और अब मैं इस पे करने जा रहा हूँ। देखो इसे पहले किया था ना, और फिर घिसाई की है, फिर अभी दोबारा से इससे मारना है, क्योंकि इस पे ना काफ़ी काम किया मैंने बाद में। यही वाले जो पार्ट है ना, यही दो पार्ट इंजन वाले यार सबसे ज़्यादा बोर, बहुत टाइम टेकिंग है और गुस्सा दिलाने वाले भी। देखो बूंदे आ रही हैं इसमें से, ये गन ख़राब हो गई है मेरी, देखो ये बूंदे छोड़ रही है पूरी पूरी। चलो इसे सफाई करता हूँ थोड़ी सी, फिर मारता हूँ इसे पूरे पे, मार के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसको हो गया, उसको हो गया, इस पे हो गया, उसको हो गया, और देखो इस पे कर रहा हूँ। अब देखो मैंने इसको जो घिसा था, देखो कितना चिकना आ रहा है, हल्के हल्के छेद आ रहे हैं। देखो ये सिर्फ और सिर्फ उससे भरते हैं, जो अपना NS पुट्टी होती है ना ग्रे वाली, उससे भरते हैं, लेकिन चिकना बहुत आया है, ये बहुत स्मूथ लग रहा है, क्योंकि मैंने इसकी घिसाई बहुत ही हार्ड हैंड से की थी, बहुत हार्ड। अब देखो पूरे जहाँ जहाँ वो था यहाँ मैंने भराई की थी, तो देखो बाहर आई, इनकी सबकी घिसाई कर लूँगा, और लास्ट में NS पट्टी भर के हम इस पर रैप करना स्टार्ट कर देंगे। चलो मारता हूँ पूरे पे, और जो बच रहा है इन पर ही मार देता हूँ। तो मैंने सब पे कर लिया है, ये एरिया मैंने खाली कर लिया है, बाइक लगाएंगे यहाँ को, क्योंकि बाइक कोने में है और उस साइड जगह नहीं है। और ये रहे सारे पार्ट्स, देखो कितने सारे हैं, इसके नीचे भी एक के नीचे एक दबा हुआ है, ठीक है। और ये रे दो, ये रे दो, ये रे, कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये साइड पैनल। देखो सबसे जो जिस पर डबल काम हुआ है एकदम फिनिश आया है वो, ये एकदम फिनिश है। चाहूँ तो इसके ऊपर वो ब्लैक कलर जो है ना वो मार सकता हूँ मैं,
लेकिन फिर मैं अभी भी मैं इसे और फिनिश करूँगा, बट बाइक के लिए और फिनिश करूँगा, बट अभी नहीं, अभी मुझे मैं इनके जो है ना फर्मा जो बनाना होगा वो बना लूँगा। ये है डैशबोर्ड्स दोनों, ठीक है। ये रहा इधर वाला इंजन का पैनल, मतलब ये इस साइड का, ये वाला, ये रही टंकी, टेल के साइड के पैनल दोनों, और वो साइड पैनल, ठीक है, सारे पार्ट आ गए। और ये रहा हेड, हेड पे मैंने हल्का हल्का मार दिया ऐसे ही जस्ट कि हमारी बॉडी के साथ मैच हो जाए। उस पर हमने नहीं मारा है क्योंकि हम सोच रहे हैं उसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आया मड गार्ड, तो मड गार्ड हम कोई और से ही रखेंगे। तो चलो ये पूरी बॉडी को अब ना मैं इस पर इंस्टॉल कर देता हूँ, एक बार देखना इंस्टॉल भी कितना इजीली हो जाएगा। ये इसका काउल और इसका ये जो विंगलेट है ये वो पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ डाल देते हैं। चलो इसको मैं इधर लगाता हूँ और इसको टाइम लैप्स पे लगा देते हैं स्टैंड पे कैमरे को, और आप देख लेना। और लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, आपने देखा इजली लग गया। ये वाला जो पैनल है, ये वाला देखो अटक गया है अभी, ठीक है अटक गया, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ क्यूट का। इस पैनल में सिर्फ एक लगा है, ये रहा यहाँ पे स्क्रू, ठीक है, टेल में भी यहाँ पे स्क्रू लगाया है अभी, और एक स्क्रू वहाँ लगाया है मैंने, ये रहा इसमें एक स्क्रू लगा है, इसमें लगा है, और इसमें भी इस पैनल का भी ये स्क्रू लगा है बस, और एक स्क्रू मैंने यहाँ से लगा दिया है हेड और इसका जो आता है ना बीच का गैप इसमें लगा दिया, और कहीं नहीं लगाया मैंने अभी। अभी देखो नीचे जो मैंने बनाया था ये रहा, ठीक है, ये बनाया था नहीं एक, तो इसको थोड़ा पीछे लाएंगे, देखो उसी जगह पर आ जाएगा ये जहाँ पे इसका वो बना हुआ पत्ती, देखो दिख गया आर पार छेद, ये छेद दिख रहा है ना आर पार, पीछे पत्ती का है ये रही पत्ती। अब इसे दबा के यहाँ से लगा देंगे तो इंजन यहाँ फिक्स हो जाएगा, इसे यहाँ ला के लगाना है, जिससे कि देखो मैं छोड़ रहा हूँ अभी ये नीचे जाएगा, ये देखो हल्का गया, इसे बिल्कुल चढ़ा के लगाना है, ये सब फिनिश हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। अभी ये फाइनली मैं एक एक चीज़ अब बॉडी के ऊपर ही ठीक करूँगा, भरना है तो इस पर गाड़ी पे लगा के भरूँगा, घिसना है तो इसी पे घिसूँगा। अब मैं अलग अलग करके करूँगा ना तो बहुत टाइम खिंच जाएगा, पार्ट मिसप्लेस होते रहते हैं बार बार। और ये दिखाता हूँ, देखो ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो ये अब तुम यहाँ स्क्रू लगा सकते हो, ठीक है, ये देखो ये छेद रहते हैं ना प्लास्टिक वाले स्क्रूज के छेद रहते हैं यहाँ पे, ये रहा एक इस साइड, तो वाला पैनल हटाओगे तो ये दिख जाएंगे तुम्हें। तो मैंने यहाँ पे ये ले बनाई है ना, ये रही, ये देखो ये, और ये पूरी, तो ये रहा स्क्रू का छेद, ये रहा। अब यहाँ से एक स्क्रू करना और ऊपर से सीट हटाना और नट बोल्ट लगा देना ऐसे इसको फंसा के इस साइड ला के, एक स्क्रू यहाँ लग जाएगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में दो स्क्रू यहाँ भी लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा बड़ा वाला स्क्रू लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि वो जो स्क्रू होते हैं ना बड़े वाले बहुत अमेजिंग लगते हैं। और यहाँ लगाने का मेरा एक ही मोटिव है कि वो ना ये ना एकदम उसको चिपका देंगे तो, और दिखने में भी पीछे से बहुत अच्छा लगेगा लुक। पतले वाले भी लगा सकता हूँ, बड़े वाले भी लगा सकता हूँ, लेट्स सी। और देखो टेल मैंने चेंज कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेल बिल्कुल चिपक के आ रहा है अब। पहले क्या था, टेल का एक इशू था कि ये टेल अंदर आता था, ठीक है, अंदर की साइड जाती थी ये वाली पार्ट, और ये जो था ये मोटा था। तो आप मुझे फिर भी देख लो आप इस वाली टेल को, और पुरानी वाली टेल भी देख लो एक बार, अगर हो सके तो स्क्रीन पे डाल दूँ कौन सी ज़्यादा टेल अच्छी लग रही है, दूर से देख लो। देखो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ मैं, दोनों को कंपेयर करो, अगर वो अच्छी लग रही है तो अभी हमने मोल्ड तो लिया नहीं है तो वो रहने देंगे, ये सही लग रही है तो ये रहने देंगे। तो ये वाला पैनल लगाते हैं अब साइड का, देखो इसको लगाते ही बाइक एकदम बदल जाएगी, ये देख लो अभी ऐसी लग रही है, अब ये लग जाएगा तो कैसी लगेगी। तो बिना अंडर वैली के देख लो कैसी लग रही है, बिना अंडर वैली के कुछ नहीं किया है मैंने, अभी बता देता हूँ कुछ खास नहीं है। एक स्क्रू ये लगाया, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक स्क्रू ये लगाया और एक दो फिनिशिंग, ये देखो यहाँ की ये वाला पार्ट देखो, ये मतलब फिनिशिंग में लाइन की कह रहा हूँ, इसकी फिनिशिंग नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये देखो कितना ऐसा लग रहा है इसी का पार्ट है, ऐसा लग नहीं रहा इसको अलग से लगाया, ये देखो
है ना, ये वाला साइड पैनल इसी का पार्ट लग रहा है, इतना इतना फिनिश टच आया है, दोनों ऐसे टच हुए हैं एक दूसरे से कनेक्ट कि एकदम मस्त लग रहे हैं। अब हमें अंडरवेली लगाना है, अंडरवेली लगा के देखना कैसा चेंज होता है। अब देखो थोड़ा अंधेरा करते हैं, मैंने अंडरवेली लगाते हैं फिर पूरा किट लगा दिया है। ये डैशबोर्ड बचा है बस, उस साइड का डैशबोर्ड भी मैंने लगा दिया है, तो अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा पहले मैं। हाँ देखो ये डैशबोर्ड मैंने लगा दिया इस साइड का, अब ये वाला डैशबोर्ड लगा देता हूँ फिर दिखाऊंगा। तो क्या कहते हो, ये मड गार्ड अच्छा नहीं लग रहा ना, तो एक चीज़ करूँ मैं बताता हूँ क्या करना है। ये तो बढ़िया लग रही है ना, अभी पीछे से दिखाऊंगा आपको पूरा, लेकिन मड गार्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को पसंद नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ ये इसको यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, कैसा रहेगा इतना काट दूँ तो कैसा लुक आएगा, इमेजिन करके देखो अगर अच्छा आ रहा है इमेजिनेशन में तो कट कर देते हैं। चलो काटता हूँ, ठीक है कट करते हैं इसको। तो देखो बताओ कैसा लग रहा है, अभी भी अगर गड़बड़ लग रहा है थोड़ा बहुत तो और बताओ, और कट कर देता हूँ, मतलब नीचे से कट करूँगा नहीं। अब मैं सोचता हूँ आगे का जो पार्ट निकल रहा है ना ये वाला, यहाँ से सीधा कट कर देते हैं ऐसे, यहाँ से कैसा लगेगा, आई थिंक अच्छा लगेगा है ना, करके देखूँ। चलो इतना बताओ कैसा लग रहा है, उस साइड का भी इतना ही कर दूंगा कट, या फिर एक सीधी लाइन मार दूँ यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा सोच के देखो, या कोई अगर पिक्सार्ट में स्क्रीनशॉट लेके कर सकता है तो करके देख ले एक बार, क्योंकि यार मेरे को तो बहुत टाइम लग रहा है इसको करना है ना, दूसरा काम भी अपना। चलो ये भी कट कर दिया, अब बताओ आप कैसा लग रहा है, हटा के दिखा देता हूँ। उस साइड का नहीं किया, उस साइड का मैं दिखाऊंगा अभी, बस थोड़ा दूर से देख लो अभी कैसा लग रहा है। उस साइड का भी कर दूंगा कट, ठीक है साइड का देखो, इस साइड का मैंने कुछ ऐसे कट कर दिया, अब ये कुछ ऐसे दिखेगा इस साइड से, देख लो दोनों साइड का देख लिया, कंपेयर कर लो कौन सा अच्छा है, वही कर लेंगे फाइनल। और अब तुम देख लो गाड़ी, अब देखो इसको वाइड एंगल करूँ क्या, ये ऐसी देखो पूरी, अभी सिंगल कलर मतलब कलर नहीं है ये सप्रेसर है, तो सिंगल में ही कुछ ऐसी दिख रही है। अब देखो फिनिशिंग मुझे करनी होगी, अब ऐसी लगे लगे में फिनिशिंग करनी है मुझे एक एक चीज़ की, जहाँ भी मुझे लग रहा है। देखो अब तो वैसे फिनिशिंग का कोई ज़्यादा बचा नहीं है, है ना, और देखो मैंने उस पर भी कलर मार दिया, ये सप्रेसर मार दिया है, दोनों साइड का अलग है, देखो यहाँ से कट मारा है मैंने, इस साइड का अलग है, ठीक है उस साइड जाके दिखाता हूँ, इस साइड का अलग है। अब इस साइड से देख लो, मुझे इस साइड का थोड़ा बेटर लग रहा है, अगर यही साइड बेटर है तो इसी को कंफर्म कर देते हैं, नहीं तो बता देना, वरना आगे चल के हम ओरिजिनल ही बना लेंगे और क्या करेंगे। और ये देखो हाँ फिनिशिंग अब लगाने के बाद मुझे दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये वाली जो हमारा ये है डैशबोर्ड, इसे पूरा मुझे यहाँ तक टच करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे 5 मिनट का काम है, इसको मैं कर दूंगा इस वीडियो के एंड होने पर, ठीक है। और ये पूरा देख लो, इस साइड का मैंने पूरा कवर कर दिया है, अब बस आप इमेजिन कर लो जब इस पे कार्बन फाइबर का रैप, ब्लैक कलर इंजन पे, ग्रीन कलर उन और पाइप्स पे, और ब्लैक कलर इस पे, और कार्बन फाइबर इस पे, कार्बन फाइबर उस पे, और फिर वहाँ लिखा हुआ होगा निंजा H2R यहाँ पे, या फिर निंजा H2 लिखेंगे हम, या निंजा H2R लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा हो गया, पहले से मैंने किया है, टेल का आप लोगों को बताना है कि ये वाला टेल सही है या पहले वाला जो था वो सही था। और अब दो मोस्ट बल्कीस्ट बाइक ये लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बल्की, पहले से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा बल्कि है इस वक्त। और हाँ देखो ये जो जा रहा है ना, ये अलग इस साइज़ जा रहा है, इसको ना एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो अभी मैंने ये लगाया नहीं है ना, छेद किए हैं, ये देखो ऊपर है अभी, है ना काफ़ी, तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है, नीचे ले जाना पड़ता है, अभी मैंने एडजस्ट नहीं किया है। देखो ये वाला स्क्रू भी मैंने एडजस्ट नहीं किया है, इसीलिए देखो इसको एडजस्ट कर देते हैं तो ये अपनी जगह पहुँच जाता है, ये देखो ऐसे करके, फिर अब आगे से मैं दबाऊंगा तो ये आगे को होगा और एडजस्ट हो जाएगा। मैं अगली वीडियो में आपको ये पूरा एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको एकदम एडजस्ट करके, ये नहीं कि मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूं और दूसरा दिखा ही नहीं रहा, सब एकदम फाइनल। देख लो अंडर वैली भी क्या मस्त आई है। हाँ देखो वो जो मैं दिखा देता हूँ, इस साइड का नहीं दिख रहा, इस साइड का दिखा देता हूँ, देखो अंडर वैली में मैंने जो किया था ये रहा,
देखो यहाँ स्क्रू लगा दिया, ये थोड़ा पुट्टी था इसलिए स्क्रू दब गया, यहाँ हम मटेरियल लगाएंगे यही फाइबर फिर नहीं दबेगा। तो भाई इसमें यहाँ नीचे जो पट्टी मैंने बनाई थी ये रही, अब यहाँ से हम इस अंडरवेली को टच कर सकते हैं। अभी अंडरवेली से हिले पूरी पूरी बाइक हिलेगी अगर मैं हिलाऊंगा तो। हालांकि एक स्क्रू ये लगाया है, बस एक स्क्रू ये लगाया है, हम बाद में हम इसके नट बोल्ट लगाएंगे, स्क्रू नहीं लगाएंगे। और देखो यहाँ से आप अपना ये गेज जो है ना अपना, ये देखो ऑयल गेज, ये भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ इसलिए गैप छोड़ा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम नट लगाएंगे जिससे कि हम इजीली कभी हमारी कोई बाइक में कुछ हो तो ज़्यादा नट नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, ये फिर भी इतना स्ट्रांग रहेगा कुछ ही। एक दो और ये तीन, ये तीन स्क्रू हैं बस, और ये अंडरवेली से कनेक्ट हैं दो नीचे के ही, ये इन्हीं से इतना स्ट्रांग बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। मैं नहीं चाहूँगा मैं इसमें कि बहुत सारे स्क्रू लगाए जाएँ, नट बोल्ट लगाएंगे हम, स्क्रू नहीं लगाने हम लोगों को, ठीक है। नट बोल्ट जब लग जाते हैं तो पूरी बॉडी एकदम कस जाती है, और नट बोल्ट बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को नट बोल्ट अच्छे वाले, वही लोग आप भी ऑर्डर करना वही लेना। और अब ये सिंगल कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो लाइव, आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। बताओ कैसी लग रही है अभी, अभी कैसी लग रही है? और कुछ ही टाइम बचा है मैं इसको फिनिश करने में, मेरा बहुत टाइम लग गया है एक एक पार्ट को फिनिश करने में, जो रफ पार्ट थे उसको भरने में, घिसाई करने में मशीन से, इससे उससे बहुत दिन लग गए। वैसे वीडियो में पता नहीं लग रहा है क्योंकि वीडियो तो कंटिन्यू है, इसलिए मैं अभी भी पसीने में हो रहा हूँ पूरा, क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। बारिश रुक गई, सुबह बारिश पड़ी थी, इससे थोड़ा सा सुकून है बारिश की वजह से, बट हम मैंने काम इतना कर लिया है, अब बस ये रेडी हो जाएगी। अब हमें रैप ऑर्डर करना है, मैं शॉर्ट्स ज़रूर मेरे ध्यान रखना, मैं शॉर्ट्स में एक रैप का वीडियो डालूंगा, अमेज़ॉन से हम ऑर्डर करेंगे, आप उसमें चूज़ करना कौन सा रैप करना है। मैं कार्बन फाइबर का एक रैप ऑर्डर करूँगा और कलर ग्रीन मेटालिक कलर लेके आएंगे, वही मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लेना है, अगर आप लोगों को भी लेना होगा तो कैसे लेंगे, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो दिखा के ले सकते हो। काफ़ी थक गया हूँ, मेरे को नहाना भी है, तो इस एंगल से बड़ी मस्त लग रही है बाइक, दिखाता हूँ आपको। सी क्या मस्त फीलिंग आ रहा है मुझे इस एंगल से, देखो मैंने वो लाइन भी क्रिएट कर दिया, ये रही, इसको फिनिश कर दूंगा बाद में, लेकिन क्रिएट कर दी है मैंने, अच्छी लग रही है, ठीक है उस साइड के। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये जो मैंने किए हैं ऐसा लग नहीं रहा, अंदर वाला मैंने कवर कर दिया है, ये और ये एकदम ऐसे कनेक्ट हुए हैं कि ये अलग नहीं है, एक ही पार्ट है ना। तो चलो अब लोग कमेंट ज़रूर करना ये अपने मड गार्ड पे कौन सी साइड का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये वाली साइड है अभी तो, ये लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है, दोनों आपने देख लिए हैं, वरना वीडियो पीछे करके देख लो एक बार और, इसका कमेंट ज़रूर करना कि मड गार्ड कौन सी साइड का सही लग रहा है, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। और कैसा अभी जा रहा है प्रोजेक्ट ये भी आप कमेंट करना। इतना ही वीडियो था आज का, और मैं इसको जल्दी जल्दी कर लूँगा, मैं फिनिश कर लूँगा, और हम जो भी करना है सब कुछ आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।